हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हरियाली चिकन। इसके लिए मैं पहले मसाला भून लेंगे। एक पैन रख के एक आधा चम्मच तेल ऐड कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मसाला भूनने के लिए 6 से 7 हरी मिर्च को इस तरह से तोड़ के रख ली हूँ। ये तीखी हरी मिर्च इसलिए इतनी ली हूँ, अगर चाहे तो आप कम भी कर सकते हो। एक मीडियम साइज का प्याज कट करके रख ली हूँ। इसको ऐड कर देंगे दोनों को। प्याज और हरी मिर्च को 2 मिनट तलने के बाद दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे हम। देखिए प्याज हरी मिर्च थोड़ा तल गए हैं, इसमें अभी हम टमाटर और पुदीने को ऐड कर देंगे। ये 2 छोटे टमाटर ली हूँ मैं, अगर बड़ा होगा तो 1 ले सकते हो। 1 मुट्ठी भर पुदीना ऐड करी हूँ। इन सारे चीज़ों को जब तक टमाटर साफ ना हो जाए तब तक तल लेंगे। देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया, अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। देखिए टमाटर इस तरह से होना है। अभी हम इसको बंद करके ठंडा होने के लिए साइड में रख लेंगे। अभी हम मसाला पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैं 1 आधा कप ड्राई कोकोनट ली हूँ। इसके जगह पे आप फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हो। देखिए 1 स्पून काली मिर्च, 2 इलायची, 4 से 5 लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े। पहले इसको हम पाउडर कर लेंगे, ड्राई पाउडर। देखिए इसको इस तरह से पाउडर कर ली हूँ। अभी इसमें हम 1 मुट्ठी भर के धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे। थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में लेना है आपको। और जो ये भून लेना टमाटर मिर्च का भी है, इसको भी ऐड कर देंगे। इसमें अभी हम 1/2 कप जितना पानी ऐड करके पेस्ट बना लेंगे इसको। देखिए इस तरह का पेस्ट बना के रख ली हूँ। अभी चिकन बनाना शुरू करेंगे। एक कुकर रख के हम 1 चम्मच जितना तेल ऐड कर देंगे। देखिए तेल गर्म हो गया है। इसमें 1 तेज़पत्ता, 1 इलायची ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हम 1 मीडियम साइज प्याज को इस तरह से कट करके रख ली हूँ, उसको ऐड कर देंगे। तो जब तक हल्की ब्राउन ना हो जाए तब तक अच्छे से तल लेंगे। देखिए प्याज अच्छी सी हल्की ब्राउन हो गई है। अभी इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। मैं इधर 1 किलो चिकन ली हूँ मीडियम साइज के पीसेस को। अच्छे से साफ करके इसका पानी सारा निकाल के रख ली हूँ। इसको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हम जब तक भुनना है, इसका सारा पानी सूख ना जाए, जब तक इसको अच्छे से इसी तरह से मिक्स करते हुए सुखा लेंगे पानी को। इसमें तेल, देखिए दोस्तों सारा पानी सूख गया है, बस तेल ही बचा है इसमें। इस तरह से ड्राई होने से चिकन बहुत टेस्टी बनता है। इसमें 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं। 1/2 स्पून हल्दी पाउडर और 1 स्पून नमक। इन सारे चीज़ों को 2 मिनट के लिए तल लेंगे हम इसी मसाले में। देखिए 2 मिनट तल जाने के बाद हमें जो मसाला पेस्ट बना के रख ले है ना, इसको ऐड कर देंगे। अब इसी के साथ 1 स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। और हम चिकन मसाला ऐड कर रहे हैं। आप कौन सा भी चिकन मसाला, करी या ग्रेवी का मसाला ही ऐड करना है, बस 1 स्पून टेस्ट के लिए। ये ग्रेवी मसाला है, कबाब मसाला नहीं है। 1 स्पून ऐड करी हूँ मैं। इन सारे चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से हम 2 मिनट के लिए तल लेंगे। देखिए 2 मिनट मसाला तल जाने के बाद इसमें 1/2 कप जितना पानी ऐड करके, ये मसाले का पानी ऐड करी हूँ मैं। इसको अच्छे से मिक्स करके एक बार नमक चेक कर लेंगे। अगर नमक कम होगा तो थोड़ा ऐड कर सकते हो। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस इतना ही पानी ऐड करना है। हम ग्रेवी बना रहे हैं। अभी पानी ऐड करने के बाद कुकर का ढक्कन लगा के हमें 2 विजल आने देंगे। देखिए दोस्तों 2 विजल आने के बाद, प्रेशर सब खत्म होने के बाद ओपन कर रही हूँ मैं। देख सकते होंगे आप, इतना अच्छा मज़ेदार चिकन बन के तैयार है। अभी हम इसको सर्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों बहुत ही मज़ेदार चिकन बन के तैयार है। इसको रोटी और चावल के साथ खा सकते हो। आप भी ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।